नमस्कार दोस्तों बी आर शो में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए एक लेके आए हैं बढ़िया सी टू बी के प्रॉपर्टी अभी हाल फिलहाल में बी आर रेंटल्स चैनल पे हमारे एक बढ़िया से सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि द्वारका के सेक्टर 21 में पच्चीस हजार रुपये में टू बी रेंट की प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हैं उन्हीं सब्सक्राइबर से गुजारिश है उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स दे दीजिए ताकि हम उसकी वीडियो बना के उसे रेंट आउट कर दें <laughs> बाकी आज जो हम प्रॉपर्टी लेके आए हैं ये एक टू बी के फ्लैट है द्वारका की सेक्टर तेरह लोकेशन पे इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन जिसकी बालकनी से आपको कुछ ऐसा ग्रीन व्यू मिलता है रेंटल काफ़ी बढ़िया है और उसी हिसाब से प्रॉपर्टी भी बहुत शानदार है अगर आप एक करोड़ की प्रॉपर्टी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि उसमें लिविंग एक्सपीरियंस कैसा होता है तो आप ये वाली प्रॉपर्टी रेंट पे ले लीजिए आराम से इस लोकेशन को देखिए रह के कैसा लगता है आपको इस पर काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इसके अंदर काफ़ी बढ़िया मतलब शानदार काम किया गया है आइए आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ और बालकनी से व्यू तो आप देख ही चुके हैं चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो सो so दोस्तों ये है स्टेयर जिसको लेकर हमें ऊपर आना है इस बिल्डिंग की कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलती है G वन टू थ्री फोर यानी कि ग्राउंड जिसके ऊपर पार्किंग है उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिसपे फ्लोर्स बने हुए हैं और 2 बी के फ्लैट हमें मिल जाता है सभी के सभी पूरी की पूरी बिल्डिंग के यूनिट्स पे और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है और साइज है वो लगभग 72 स्क्वायर यार्ड्स का साइज मिलता है आपको हर फ्लोर पे इंडिपेंडेंट यूनिट है यहाँ तक ऊपर तक आने के लिए हमें स्टेर लेना है लिफ्ट नहीं मिलती हमें यहाँ पे लेआउट बहुत सिंपल है लंबे रेक्टेंगल शेप में प्रॉपर्टीज और प्लॉट्स होते हैं पीछे की ओर एक बेडरूम अटैच वॉशरूम के साथ मिल जाएगा दिस इज योर लिविंग एरिया यहाँ पे आपको जो सेकेंड बेडरूम है वो फ्रंट में मिलता है और किचन सामने की ओर मिलता है ये हमारा लिविंग एरिया पोर्शन है जिसको अभी आप देख रहे हैं एक बार सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख लीजिए यहाँ पे ऊपर आपको काफ़ी प्यारा काफ़ी सटल डिज़ाइन मिलेगा और ये जो पूरे के पूरे फ्लोर हैं इसका साइज ऐसे नौ फीट मिलेगा आपको और यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसे काउंट करते हैं तो ये मिलता है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ सोला सोला बाय नौ एक जबरदस्त साइज है अगर आप इस पे लगाना चाहते हैं सोफा तो काफी बढ़िया यहाँ पे प्लेसमेंट आ जाता है ये वाली जो प्रॉपर्टी है दिस इज अवेलेबल फॉर बैंक लीज एंड कंपनी लीज यानी कि बैंक और कंपनी से भी अगर आप इसको रेंटल पे लेना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है हमारे पास सामने की ओर टीवी पैनल मिल जाता है जिसपे बहुत प्यारे कलर्स का यूज किया गया है वाइट हो गया एंड इसको ग्रीन कलर को पता नहीं क्या ही बोलते हैं कुछ तो बोलते हैं यहां से आते हैं थोड़ा आगे ये है हमारा किचन जो कि काफी सुंदर काफी स्पेशियस है अगर ऐसे देखते हैं तो दिस इज सिक्स फीट एंड इसकी गहराई देखते हैं तो ये आठ फीट है छः बाय आठ का बढ़िया सा किचन स्पेस है जिसमें यहाँ पे आपको बढ़िया स्टोरेज मिलेगा नीचे पूरा मॉड्यूलर काम मिलेगा एंड दोस्तों दिस प्रॉपर्टी इज़ फर्स्ट इन प्रॉपर्टी यानी कि ये प्रॉपर्टी में अभी तक कोई रह के नहीं गया है आप पहले होंगे जो इस प्रॉपर्टी में रहेंगे यहाँ पे हमारा जो बेडरूम नंबर टू है वो है जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा बालकनी के साथ इससे पहले मैं आपको हमारा फर्स्ट बेडरूम दिखा देता हूँ ये आ जाते हैं इस बेडरूम में बहुत छोटी और बहुत क्रिस्प वीडियो रखी है हमने जिसमें हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं ये नौ फीट मिलेगा ऐसे और ऐसे आपको ये मिल जाता है ग्यारह फीट नौ बाय ग्यारह का रूम नंबर वन है इसमें इधर की ओर टीवी पैनल लगा हुआ है काफी सुंदर से एक बार आ जाइए देख लीजिए ये जो टीवी पैनल है ये यहाँ पे मिलता है जिसमें आप आराम से थर्टी टू इंचज तक का टीवी लगा सकते हैं उसके बाद एक बार सामने की ओर जाते हैं तो ये जो दोनों तरफ आपको वॉड्रोब्स दिख रहे हैं इसके बीच में हमारा बेड आ जाएगा यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है जिसमें आप अपने कपड़े रख सकते हैं सामान रख सकते हैं और अटैच वॉशरूम मिल जाता है जिसके अंदर बहुत खूबसूरत काम किया गया है जी हाँ ये कांच के कुछ ये अपना वेट एरिया आ जाता है आप यहाँ पे खड़े होकर नहा सकते हैं शार ले सकते हैं और इसका स्पेस हमें मिलता है सात फीट बाय छः फीट सात बाई छः का साइज़ है बहुत अच्छा साइज़ है एकदम सही जगह पे सीट की प्लेसमेंट है बहुत कंफर्टेबली आप इस पर बैठ सकते हो हाथ धोने के लिए नीचे वैनिटी बना रखी है मिरर्स लगे हुए हैं एग्जॉस्ट लगा हुआ है और यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगी यहाँ से चलते हैं थोड़ा पीछे और लेके चलते हैं आपको हमारे बेडरूम नंबर वन में ये सेकेंड बेडरूम या फर्स्ट बेडरूम जो भी आप इसे बोलें साइज इसका बता देते हैं ग्यारह फीट मिलेगा ऐसे और नौ फीट मिलेगा ऐसे नहीं ये नौ से ज़्यादा है ये है करीब करीब दस फीट तो दस ऐसे लेके चलिए और ग्यारह फीट ऐसे लेके चलिए सामने आपको मिलेगा वॉर्डरूम उसमें ओवरहेड स्टोरेज भी बहुत अच्छा है एक बहुत बड़ा सा यू का विंडो पेन इधर मिल जाता है यहाँ पे टीवी पैनल लगाया गया है और इसमें भी एक अटैच वॉशरूम की व्यवस्था है ये बिल्कुल आइडेंटिकल हमारे फर्स्ट वॉशरूम की तरह है और साइज़ इसका हमें मिलता है छः फीट बाय छः फीट नहीं छः बाय पांच का साइज़ है और बाकी सब काम वाम इसके अंदर अच्छा किया गया है लाइट्स अगर हम देखते हैं तो लाइट्स काफ़ी अच्छी हैं इसके अंदर भी इसमें वैनिटी भी बनाई गई है यहाँ से पीछे चलते हैं दोस्तों अगस्त का मौसम जून जुलाई अगस्त और दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड है टेम्परेचर आ, बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा वेल well, ये हमारी बालकनी है इसका साइज़ छः फीट बाय चार फीट के साइज़ में हमें मिलती है वाली बालकनी एंड इसके अंदर में यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो टैप लगाने का अरेंजमेंट है यहाँ पे किचन का गीज़र लगाया गया है और हमारे किचन का जो एग्जॉस्ट पॉइंट है वो भी इसी तरफ बना हुआ है तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि सामने बहुत खूबसूरत ग्रीन व्यू आपको मिलता है जहाँ पे आपको चिड़िया और चहचहाने की आवाज़ आएगी और जो हमारा रोड का नीचे चौड़ाई है दैट इज़ थर्टी फीट वाइड तीस फीट चौड़े रोड पे ये प्रॉपर्टी बनी हुई है एंड द्वारका है तो आसपास में आपको स्कूल्स कॉलेजेस और पार्क्स, सब कुछ मिल जाता है आप खुद ही इमेजन कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी की वर्थ एक करोड़ रुपए हो तो उसके आसपास में ये सारी फैसिलिटीज़ तो मिलेगी वरना बहत्तर गज के फ्लोर के एक करोड़ देने का क्या मतलब है यही मतलब है कि उसके अंदर द्वारका है डी है सब ये सब इन्वॉल्वमेंट है ये सारी चीज़ों की तो इसके चलते इसका रेंटल भी बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है क्वालिटी आप देख चुके हैं अंदर से काम की बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है फर्स्ट इन प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे थे तो इस वाली प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं कोड हमने यहाँ पे डाल दिया नंबर्स नीचे लिख दिए हैं जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों हमारी जो वीडियो की क्वालिटी है वो कैसी आ रही है नीचे कमेंट्स में बताएं और हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी नीचे कमेंट्स में बताएं हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक नमस्कार दोस्तों